Hello everyone, welcome back to our learning platform Shining Snow. Today we are going to discuss about how to introduce yourself. हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ये जो सीक्वेंस है आपको फॉलो करना है. फर्स्ट इज नेम. वेन एवर यू आर मैंसनिंग योर नेम, यू नीड टू टेल माई नेम इज, और यू कैन से आई एम, और इफ आई एम सेइंग माई नेम इज सुधांशु ढाल और आई एम सुधांशु ढाल. ओके, यू नीड टू मैंसन योर फुल नेम, दैट मीन्स इंक्लूडिंग योर सरनेम. आपके सरनेम भी यूज़ करोगे. सुधांशु ढाल, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, आई एम सुधांशु और माई नेम इज सुधांशु. ओके, सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॉम. वन इज़ योर करेंट एड्रेस, वन इज योर परमानेंट एड्रेस. अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है, तो आप बोलोगे कि आई एम बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा बट नाउ रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली. आप ऐसे बोल सकते हो, मैं तो बेसिकली उड़ीसा से हूँ लेकिन मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है? इफ़ योर करेंट एड्रेस, अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम उड़ीसा. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से आई बिलोंग टू. I belong to Odisha. Okay, then after your strength. When you are mentioning your strength, you need to identify yourself. कि आपका strength क्या क्या है, आप क्या क्या हो सकता है आपका strength, ठीक है? जैसे कि strength हो गया मेरा honest, diligent, hardworking. एंड देर आर मल्टीपल स्ट्रेंथ, यू नीड टू मैंसन. आपके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ मैंसन करना है, ठीक है? देन आफ्टर योर करियर ऑब्जेक्टिव. करियर ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट इट इज जस्ट योर एम, ऑब्जेक्टिव और गोल. ओके, गोल इन योर करियर मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, आप कहाँ क्या बनना चाहते हो, ठीक है? करियर ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट योर एम. अगर मैं टीचरशिप करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू बी अ टीचर. टीचर और यू कैन से डॉक्टर और यू कैन से इंजीनियर और यू कैन से एनी वर्क इन द डिफरेंट सेक्टर, डूइंग अ बैंक पीओ, रेलवे, बैंकर. ओके, सो करियर ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट योर एम, योर डेस्टिनेशन, योर गोल अबाउट योर करियर. क्या आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है? आप टीचर भी हो सकते हो, बोल सकते हो डॉक्टर भी बोल सकते हो, बैंकर भी बोल सकते हो, जो आपका एम होगा, ठीक है? आपका एजुकेशन, आप जैसे एजुकेशन में बोलोगे तो पहले हाइस्ट क्वालिफिकेशन, हाइस्ट टू लोएस्ट क्वालिफिकेशन. अगर मैं बोलूँगा कि मैं अभी MBA कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2009 में. मैं उससे पहले मैं अकाउंटिंग ऑनर्स से उत्कल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, और उससे पहले मैं बीकॉम, उससे पहले मैं ट्वेल्थ किया था, टेंथ किया था, ठीक है? अगर आप न्यू जर्नी हो, सॉरी, आप अगर फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो आपको बोलना है हाइस्ट क्वालिफिकेशन आई एम पर्सुइंग और आई एम स्टडिंग और आई एम कंटिन्यूइंग पर्सुइंग. आप पर्सुइंग बोल सकते हो, स्टडिंग बोल सकते हो और कंटिन्यूइंग बोल सकते हो, ठीक है? एजुकेशन हाइस्ट क्वालिफिकेशन टू लोएस्ट क्वालिफिकेशन. पर्सुइंग बोल सकते हो, स्टडिंग बोल सकते हो, पहले बोल. और जब भी बोलना है आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है और ईयर बताना है. जैसे कि अगर मैं बोलूँगा आई एम नाउ परसुइंग MBA फ्रॉम बीजू पटना यूनिवर्सिटी, ओके, नाउ करेंटली. इफ आई एम सेइंग आई हैव कंप्लीटेड और आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी इन 2009, ठीक है? And you can also say about कि I had completed my 12th and 10th and 12th from Odisha BSc, Board of Secondary Education, ठीक है? ये बोल सकते हो आप. हाइस्ट लोएस्ट, रिमेंबर
हमेशा आपका यूनिवर्सिटी आपका ईयर हमेशा मेंशन करना, ठीक है। अबाउट योर फैमिली, अगर आपका जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपको आपको बोलना है। अगर जॉइंट फैमिली है, वंडरफुल, आई हैव अ वंडरफुल जॉइंट फैमिली। और आपका न्यूक्लियर अगर फैमिली है तो आप बोलोगे तो हैव अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल फैमिली, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल फैमिली। तो बोलोगे अगर पहले पापा मम्मी उसके बाद भाई बहन, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली है। तो अगर आपका जॉइंट फैमिली है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, पापा मम्मी बहन भाई एंड अंकल आंटी एक टुगेदर में बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पापा प्राइवेट में जॉब करते हैं, माई फादर इज़ वर्किंग इन ए इन प्राइवेट सेक्टर, माई फादर इज़ वर्किंग इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, और यू कैन से माई मदर इज़ ए टीचर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। और आपका हॉबीज, आपका हॉबीज आएगा, हॉबीज मतलब जब मैं मेंशन करूँगा मिनिमम टू हॉबी, ओके, मिनिमम टू हॉबी आई नीड टू मेंशन। आई हैव हॉबीज लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड प्रोफेशनल में आप अगर प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट्स है, सो यू नीड टू मेंशन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको कहाँ ज्वाइन करना है, आप करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। उसके बाद अचीवमेंट्स, आप एजुकेशन के बाद अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, लेट मी टेल यू वंस मोर नेम, आई एम, माय नेम इज सुधांशु ढाल फ्रॉम ओडिशा और बिलोंग टू ओडिशा। आई एम ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। माई करियर ऑब्जेक्ट, आई वुड लाइक टू बी डॉक्टर, बैंकर, आई वुड लाइक टू बी बैंकर। एजुकेशन, आई एम ए ऑनेस्ट, सॉरी, एजुकेशन हाइस्ट टू लोएस्ट क्वालिफिकेशन, सो यू नीड टू मेंशन आई एम पर्सुइंग और नाउ आई एम स्टडिंग ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी और फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी। आई डिड माई 12th एंड 10th फ्रॉम BSc, ओके। एंड फैमिली, अबाउट अ फैमिली, आई हैव अ वंडरफुल जॉइंट फैमिली और आई हैव अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल फैमिली। माई फादर इज़ ए father is working in a private sector, my mother is a teacher, I have a brother and sister, okay, I have a brother and sister, both are in study, okay, also you can say we are two brothers and a sister, okay, bolne ka tarika thoda different hoga, we are two brothers and a sister, or you can say I have two brothers and a sister, we are or I have, okay, whenever you are mentioning hobbies, you need to mention two hobbies, playing cricket, reading newspaper, or listening to music, any of your hobbies. Whenever you are introducing your professional introduction, you need to enter your experience. So, experience now, in which company you have been working, you need to say that I have been working at Accenture since 2012. Achievements, you need to say about I have been awarded multiple times as a star performer, monthly award. Okay, this is all about your achievements. Okay, this is all about your introduction. Please write a comment that what is your aim in your life and how to introduce yourself. Okay, if you like this video, then please like and subscribe. Thank you very much.